हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन बच्चों। आज हम वेक्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कि रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ये बच्चों बड़े कंपटीशन में या मतलब कि अगर आपने अभी तक जितना भी वेक्टर पढ़ा है जिसमें रिजॉल्व कैसे होते हैं वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आप समझ लीजिए कि सभी जितनी भी आपने वेक्टर पढ़ी है वो ये क्वेश्चन जिसको आता है वो सारा का सारा वहां पर यूज होगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ से भी बड़ा ये इम्पोर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो वो हम समझेंगे यार बच्चों कि इसका रिवर बोट प्रॉब्लम जब आपको एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लिख लेते हैं रिवर बोट या स्विमर। ये इस तरीके रिवर मान लो, रिवर के अंदर चाहे बोट चल रही है चाहे स्विमर चल रही है, तो वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या लिखा है। मतलब काम एक ही है, मतलब सेम ही है। ये बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको क्वेश्चन को समझते हैं, बता रहे हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएगा। वो आपको बोलेगा कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, ये आपको दिया होगा कि ये रिवर है। रिवर का मतलब होगा कि देखो पानी होगा जो चल रहा होगा। मान लीजिए ये रिवर की स्पीड दे देगा पहले वो कि ये रिवर की वेलोसिटी है कुछ। तो अब बच्चों यहां पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएंगे। यहां पर देखिए ये आ गया आपका ग्राउंड। एक आप ग्राउंड के ऊपर हो तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मान लीजिए एक आदमी ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया पानी। जैसे आप समझ, जैसे हमने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में कि एक आदमी जब ग्राउंड के ऊपर होता है तो ये समझ लो कि कोई ट्रेन चल रही है, तो इसको लगता है कि ये चल रहा है, इसको लगेगा कि ये चल रहा है। तो यहां पर ये रिलेटिव वेलोसिटी का खेल भी आएगा। तो आपको प्रॉब्लम क्या दी जाएगी, वो बोलेगा कि रिवर जो है उसकी वेलोसिटी दे देगा वो कुछ। तो बच्चों जो रिवर की वेलोसिटी होगी आपने उसको लिखना है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए कि उसने बोला कि रिवर की वेलोसिटी आपकी बोला उसने मान लीजिए फोर, आपको बोलता है कि रिवर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी जो है रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्योंकि ग्राउंड की जो वेलोसिटी होगी वो बच्चों आपकी जीरो हम मानते हैं, क्योंकि इसको हम रेस्ट में मानते हैं, इस ग्राउंड को हम रेस्ट में मानते हैं। तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब कि रिवर की वेलोसिटी हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यही होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा और ग्राउंड की वेलोसिटी जो है वो जीरो आएगी। तो ये देखिए बार वही पहुंचेगी, चाहे आप वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखिए लेकिन आपको मोर एप्रोप्रिएट समझना है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ये जो देगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देगा, ये बात एक ही होती है। अब मान लो कि यहां पर एक आदमी है जो इसके शोर किनारे पर है, ये किनारे ले लो नदी के, ये नदी चल रही है, ऐसे आप समझिए ये नदी चल रही है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से उस बंदे ने जंप करना है स्विम, उसके अंदर पानी के अंदर जंप करेगा। तो अब वो आपको देगा एक और चीज, न्यूमेरिकल में एक और चीज देगा, वो बोलेगा कि जो स्विमर है स्विमर की वेलोसिटी देगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये आपको गिवन दी होगी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे रिवर अगर चल रहा है तो आप क्या मानो, उसको मानोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वो बोलेगा कि ऐसे लिखेगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इसकी रिवर से बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलेगा। तो बच्चों अब देखिए यहां पर, अब आपको मान लीजिए कि इसने एक ये वेलोसिटी दे दी स्विमर की पानी के अंदर जो होगी, तो एक रिवर की वेलोसिटी होगी
और यहां पर दो आदमी खड़े कर लेते हैं, एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा कर लेते हैं और एक आदमी पानी के अंदर ही खड़ा कर लेते हैं, मतलब कि रिवर के अंदर। ये मान लीजिए स्विमर है, यहां पर, यहां पर ये स्विमर है, ये स्विमर है विराष्ट्री या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है। अब बच्चों अब देखिए, ये जो स्विमर की विलासिटी है ना, ये स्विमर की विलासिटी इस आदमी को क्या दिखेगी और इस आदमी को क्या दिखेगी। देखिए ये जो पानी के अंदर होगा आदमी, उसको स्विमर की विलासिटी वही दिखेगी जो इसकी अपनी विलासिटी है। मान लीजिए इसकी आप ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि ये स्विमर यहां से इधर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका अपोजिट पॉइंट है। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि रिवर आपका 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये जो स्विमर है विलासिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मान लीजिए वो 3 मीटर पर सेकंड है। एग्जांपल से थोड़ा इजी समझ आएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि स्विमर ने अपनी तरफ से, स्विमर जो है ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है सीधा वर्टिकल पोजिशन में, ये इसको लग रहा है कि मैं इधर निकलूंगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन होगी आपकी जे डायरेक्शन। तो मतलब कि इसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे इस तरफ, बी एस आर इज इक्वल टू 3 जे, और ये जो रिवर है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में 4i। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर, अब ये जो आदमी है ना, दूसरा, एक दूसरा आदमी है, ये है आपका स्विमर, ये स्विमर मान लीजिए, स्विमर अपने तरफ से पानी में, स्विमर की वेलोसिटी वाटर में कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, और उसको लग रहा है कि मैं सीधा जा रहा हूं। अगर दूसरा आदमी भी पानी के बीच में है, इसको मैं बोलूंगा कि, इसको बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये बोलेगा इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको यही वेलोसिटी दिखेगी 3j, मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड। इस आदमी को स्विमर की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, कितनी, जितनी इसकी है दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये खुद भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब बच्चों एक आदमी ग्राउंड के, मान हम यहां पर खड़े हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि मैं अगर ग्राउंड से देखूंगा, ये आदमी अगर यहां चलता है 3 मीटर पर सेकंड से, क्या ये यहां पर पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से मुझे दो वेलोसिटीज दिखेंगी, एक तो इस, ये अपनी वेलोसिटी से जा रहा है वाई एक्सिस में, लेकिन रिवर की वेलोसिटी तो है, रिवर इसको इधर घसीटेगा, जो रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी है 4i। तो आप बच्चों इसको लग रहा है कि मैं यहां पहुंचूंगा, लेकिन मुझे, मुझे क्या लगेगा, मुझे इसकी, इस स्विमर की दो वेलोसिटीयां दिखेंगी। देखो अरे कैसे यहां से निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, तो फॉर्मूला बताओ बच्चों इसका क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी आप ऐसे लिख लीजिए, पहले आप लिखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को हम ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला VAB इज इक्वल टू VA माइनस B। अब यहां से मुझे निकालनी है कि इस स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो दिखेगी मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि ये जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है बच्चों, उसको दिखेगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 3j, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 4i। बच्चों इसकी, इसको लगेगा कि इस आदमी के ऊपर दो वेलोसिटीज हैं, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में, ये देखिए दो वेलोसिटी दिखेगी इस आदमी को, लेकिन जो पानी के अंदर है उसको जो होगी वेलोसिटी ये भी दिखेगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि ये इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि ये भी तो साथ साथ पानी के चलेगा, इसको तो हॉरिजॉन्टल का एहसास नहीं होगा, उसको वर्टिकल दिखेगी। तो अब बच्चों आपने जब भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें ग्राउंड से आपको देखना है इस आदमी को, तभी आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब देखिए
अब ये इस आदमी की दो ग्लासी होगी, ये वाली और ये वाली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस आदमी के अकॉर्डिंग ये आदमी ऊपर जा रहा है कितनी ग्लासी से, थ्री से, और यहां जा रहा है कितनी ग्लासी से, फोर से। अब बच्चों आपने वेक्टर जो पढ़ा था, वेक्टर में क्या था, अगर ये दो वेक्टर है, अब ना वो आदमी ये इधर जाएगा ना ही आदमी ये इधर जाएगा, क्योंकि आप जो आदमी कहां पर पहुंचेगा वो चलेगा इन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड से। तो बच्चों जब दो वेक्टर दिए जाएंगे इनका, इनकी पैरेललोग्राम कंप्लीट जब करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, ये। तो इसका मतलब है कि बच्चों ये जो इसकी पानी के अंदर जो स्पीड होगी वो होगी ये वाली, ये होगी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी और यही होगी वी एस जी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कितनी आएगी वो आप निकाल सकते हो यहां पर, ये देखिए ये आएगा आपका रिवर, ये वाली वेलोसिटी कौन सी है आपकी, ये वाली और ये वेलोसिटी सेम है, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये आएगा आपका रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट। तो बच्चों देखिए इन दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट की स्पीड क्या होगी, ये वी आर स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर। इसका कितना आएगा आंसर, वी आर कितना है, 4 का स्क्वायर 16, इसका 9 और 5। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो इस आदमी को दिखेगा, इस आदमी को लगेगा कि ये जो आदमी है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। तो होगा भी यही, क्योंकि इसको तो लग रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं तो यहां तो पहुंचेगा नहीं, ये पहुंचेगा यहां पर कहीं पर जा रहा है ये। तो ये मान लीजिए इसकी रियल पोजीशन है, इसका मैं कुछ पी पॉइंट ला देता हूं, यहां पहुंचेगा अगर ये वाला केस होगा। अब बच्चों टीम अब आपको पूछता है यहां पर, सपोज कीजिए कि एक तो आपको पूछता है कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, ये क्वेश्चन जी आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपने बना दिया फार्मूला 4i + 3j। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपने निकाल देना है कि √16 + 3² = 9 = 5 m/s। ये होगा एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां से क्या आ सकता है कि यहां से यहां वो बोल सकता आपको कि यहां से यहां तक वो पहुंचेगा, टाइम कितना लगाएगा यहां से यहां जाने का। तो बच्चों टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों याद रखो कि यहां पर दो मोशन है, एक वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो आप देखिए आपने रिवर को पार करना है ना, तो आपको वर्टिकल मोशन में जाना है। तो जब आपको वर्टिकल मोशन लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल मोशन लोगे तो वर्टिकल ही डिस्टेंस लेना है और वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है। तो बच्चों यहां पर देखिए वर्टिकल टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस पर टाइम, ये आएगा वर्टिकल डिस्टेंस। ये आप याद रखिए कि एक ही अगर वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो तो वर्टिकल उसकी वेलोसिटी लेनी, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में। अब वर्टिकल इसका डिस्टेंस जो है मान लीजिए डी है, यहां से इस रिवर का डिस्टेंस कुछ डी है, तो ये मान लीजिए यहां पर डी है, डी कुछ भी हो सकता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ भी। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर कितनी है, इस वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, 3। तो इसका आंसर आप निकाल लोगे, ये आएगा d/3। ठीक है बच्चों, अब कोई डिस्टेंस गिवन होता तो वो आप नोट कर सकते। अब आपको और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, अब और आपको पूछ सकता है कि मान लीजिए कि आपको पूछता है कि इसने जाना तो यहां पर था इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन वो यहां नहीं पहुंच पाया। पहले बच्चों मुझे बताओ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ये यहां क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी एक अपनी वेलोसिटी थी जो सीधा जा रहे थे, एक पानी की वेलोसिटी नीचे थी वो इसको इधर नहीं पहुंचने दे रही थी। अगर आप यहां पर अंदाजा लगाओ, अगर ये वाली वेलोसिटी ना हो, अगर ये वाली वेलोसिटी ना हो मतलब कि रिवर की वेलोसिटी ना हो, फिर ये बच्चों सीधा पहुंच जाएगा। तो फिर तो वो फिर तो रिवर, इसका मतलब रिवर की वेलोसिटी नहीं हुई, फिर तो वो रिवर सब में चल ही नहीं रहा,
तो फिर अगर पानी रुका हुआ है फिर तो आप सीधा ही निकल जाओगे इधर, सीधे तो कोई टेंशन नहीं, जैसे स्विमिंग पूल है, फिर तो आपको ये करना ही नहीं है कुछ। लेकिन आप याद रखिए कि आपको यहाँ पर एक लॉजिक समझना था कि ये यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एक स्टीम वेलोसिटी थी और एक पानी की वेलोसिटी जो नीचे खींच रही थी। याद रखना बच्चों, यहाँ रिजल्टेंट की वेलोसिटी होगी ना, आप भी वहीं निकले, ये आप डालो ध्यान दिमाग में बैठा लो कि जिस तरफ रिजल्टेंट होगा आदमी उधर ही जाएगा जितना मर्जी जोर लगाई दे। चलो अभी आपको समझ, अब मान लो कि इसको पहुंचना यहां पर था, निकला यहां पर, अब इसका मतलब कि पानी ने इसको कितना घसीट दिया नीचे। ये जो डिस्टेंस है ओपी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। कई बार आपको एग्जाम में पूछता है ड्रिफ्ट निकालिए, तो बच्चों ड्रिफ्ट आप याद रखना, ड्रिफ्ट हो गया कि अपोजिट स्टार्टिंग वाली पोजीशन नहीं, स्टार्टिंग से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करो, जो अपोजिट एंड आएगा वहां से वो कहां पर निकला है, मतलब जहां यहां रहा था पहुंचा वहां पर पहुंचा है, वो जो डिस्टेंस होगा उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीपल टाइम। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, यहां पर इसकी साथ जब स्विमर चल रहा था, स्विमर में दो वेलोसिटीयां थी, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी थी, फोर, फोर इंटू टाइम कितना यहां से यहां लगाया इसने, बी बाई थ्री, तो आपने बी बाई थ्री, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट इधर। तो अब आपको बोलेगा एक और चीज पूछ सकता है कि वो एक्चुअल में कितना चला, मतलब कि वो पानी में एक्चुअल में कितना चला। देखो हमें क्या लग रहा है कि एक वो यहां से यहां चला डी और एक यहां से यहां चला ओपी। तो बच्चों अगर आपको बोलेगा वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने एक्चुअल में, तो बच्चों आपने एक्चुअल में वो ये वाला डिस्टेंस कवर किया इसने पानी के अंदर, ये अब ये नहीं काउंट करना, ये वाला अगर एक्चुअल पूछेगा तो आपने ये रिजल्टेंट जो होगा वो निकालना है। तो बच्चों एक्चुअल डिस्टेंस आएगा आपका ये रिजल्टेंट, तो मतलब कि वो आएगा आपका जहां पर लगाइए पैथागोरस थ्योरम, तो वो बन जाएगा एस पी जो होने के लिए वो आएगा रूट एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओपी हो गया आपका ड्रिफ्ट और एस ओ हो गया रिवर की जो विड्थ दी होगी वो आपने यहां पर करके ये निकालना है। तो बच्चों कई बार आपको टाइम पूछेगा, टाइम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप मान लीजिए आप इस तरह टाइम भी निकालना चाहते हैं, कई बार आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मैनिकल में दी होती है, तो आप बच्चों अगर इस वेलोसिटी के चलोगे तो आपको फिर क्या करना है कि आपको डिस्टेंस भी फिर यही लेना है, ये वाला डिस्टेंस आप लिख सकते हो एस पी डिस्टेंस जो भी निकलेगा आपका रिजल्टेंट डिस्टेंस अपॉन इसी साइड की वेलोसिटी। ये आप याद रखिए, मतलब कि टाइम के लिए आप ध्यान रखना है कि अगर आपको वर्टिकल टाइम वर्टिकल मोशन लेना है तो वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है। अगर आप यहां से यहां जाने जाते हो तो फिर ये वाला डिस्टेंस और ये वाली वेलोसिटी लेना, आंसर सेम आएंगे, आंसर की चिंता नहीं है। कई बार न्यूमेरिकल में उसने बोला था ये भी देता कंपोनेंट वो रिजल्टेंट दे देता है, तो आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दे देगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी दे देगा, तो आप बोलोगे सर ने बोला था वर्टिकल टाइम कहां पर है, तो फिर उस वक्त आपको ये याद रखना कि जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन का डिस्टेंस लेके टाइम निकालना। ये तो मसला हुआ आपका एक सिंपल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो हर बंदा कर सकता है। अब बच्चो इसमें जो मेन चीज है ना, जो प्रॉब्लम में मेन चीज है वो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि आप पहुंचना कहां चाहते हो, बस ये आप याद रखिए। अब मैं देखो एक जनरल केस लेता हूं, मान लो ये एक आदमी ये रिवर है, ठीक है, अब मान लो ये रिवर है, मान लीजिए ये इसमें जो ये वर्टिकल पोजीशन सपोज कीजिए, ये रिवर की वेलोसिटी इधर है, वी आर कुछ ले लेते हैं, अभी बनाते हैं कुछ, मान लो ये आदमी जो स्विमर था वो यहां से इधर जंप करता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मान लो ये इधर जंप करता है कोई 63 डिग्री एंगल पर,
मतलब वर्टिकल के साथ 63 एंगल होगा। एक बच्चों और आपको बता दो, ये जो ये पानी चल रहा है नीचे, ये पानी है, ये पानी की होती है डाउन स्ट्रीम। अब कई बार वो अलग अलग से क्वेश्चन बनाता रहता है, ये होता है पानी का अप स्ट्रीम। अब कई बार आप ध्यान रखना, वो बोलेगा कि रिवर जो स्विमर है वो पानी के अप स्ट्रीम के साथ उसने कुछ एंगल बनाया, तो फिर बच्चों आपको ये एंगल नहीं लेना, फिर आप ये एंगल लोगे। अगर बोलेगा कि स्विमर ने डाउन स्ट्रीम के साथ कुछ एंगल बनाया तो आपने फिर ये एंगल लेना है। तो ये मैंने जनरल केस ले लिया वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ मान लीजिए उसने 63 लिया है। अब बच्चों रिवर की वेलोसिटी इधर है, ये इधर चल रहा है पानी की, मैंने बताया कि आप स्ट्रीम इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं रिवर इधर जा रहा है, ये ऐसे डायरेक्शन है। अब ये जो इसकी ये जो स्विमर जब पहले स्विमर कैसे कूदा था, पहले स्विमर वर्टिकल जा रहा था तो उसकी एक ही वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में और एक ही पानी की वेलोसिटी। अब अगर वो एंगल करके मान लो जंप करता है पानी में, फिर बच्चों इसकी पहले इसकी भी दो वेलोसिटी हो जाएगी पहले अपनी ही। देखिए रिजॉल्वेशन वेक्टर लगाइए, यहां से जो वेक्टर रिजॉल्व हो जाएगा, एक इसकी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में वी एस आर कॉस 63 और एक आ जाएगी आपकी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में वी एस आर साइन 63। तो अब इसकी पहले मैंने बोला था कि ये एक ही वेलोसिटी थी इसकी और दूसरी थी रिवर की। अब देखिए यहां पर तीन वेलोसिटीयां होगी जब वह एंगल करके चलेगा तो उसकी तीन, चाहे वो इधर जंप करे इधर साफ हो जाएगा, इसकी आप चिंता नहीं करना, वो कंडीशन पर है कि वो क्या उसने न्यूमेरिकल में दी है। अब बच्चो अब हम यहां पर दिमाग लगाओ कि मैं क्या करता हूं कि सपोज कीजिए कि वी एस आर की जगह वैल्यू लगा लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड। सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि स्विमर की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इसको बोलते हैं, वो 10 है। अब इसके इसका मतलब इसकी इसके कितनी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपसे कितना आएगा, यह आएगा 10। साइन 63 कितना होता है वो बच्चों आप ट्राइंगल आप याद रखना, राइट ट्राइंगल अगर 63 निकालना हो तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 5। तो साइन 63 किसका होगा, साइन थीटा किसका होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो यहां से आ जाएगा 4/5, ये कट जाएगा आएगा 2, तो ये बन जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20। मतलब इस स्विमर ने जब जंप किया, पहले केस में स्विमर की एक ही वेलोसिटी थी, अब स्विमर जैसे जंप करेगा तो उसकी दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी इसके ऊपर जा रही है एक वेलोसिटी नीचे जा रही है। अब बच्चों इस तरफ जो वेलोसिटी आ गई स्विमर की वो कितनी होगी, ये आ गई आपकी कितनी 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन। अब रिवर की वेलोसिटी मान लो मैं अभी केस बनाऊंगा कि अब देखिए इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, ये कितनी है आपकी 10। अब कॉस 63 कितना आएगा, कॉस थीटा किसका होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका आएगा 3/5, तो ये आएगा ये कट जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अब ये दो केस बन गए, आप इसकी इस स्विमर की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 6 है, इस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में 20 है। और अब देखिए अब केस क्या क्या बन सकते हैं, यहां पर खुद आप सोचो क्या क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कि केस वन में लेता हूं कि मान लो कि ये जो रिवर की वेलोसिटी है इस केस में इफ रिवर की वेलोसिटी में बोलता हूं वो भी 20 है, फिर बच्चों बताओ क्या होगा, फिर ये स्विमर कहां निकलेगा, कहां पहुंचेगा। देखो अब अगर ये वाली वेलोसिटी भी मैंने कितनी कर दी, मैंने एग्जांपल लिया कि ये 20 मीटर पर सेकंड अगर रिवर की वेलोसिटी होती तो केस यही है, इस केस में इस स्विमर की ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी है 20, इसका मतलब कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। इसका मतलब कि स्विमर के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती, कितनी 6 वाली। मतलब ये केस बन गया इस वक्त जो स्विमर होगा
सिल्वर के पास एक ही गिलासी बची, वो कितनी थी वी एस आर कॉस 63 डिग्री, और वो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, सिर्फ एक गिलासी बची। ये कंडीशन कब है कि जब मैंने ये कब हुआ, जब रिवर की वेलोसिटी और इसका जो वर्टिकल अपोजिट एक्शन का कंपोनेंट था अगर वो बराबर हो, मतलब ये मेरी कंडीशन आई उस वक्त जो स्विमर के पास ये वाले वेलोसिटी और ये वाले वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ उसके पास एक वेलोसिटी बचेगी। अब जिसका ना पानी इधर खींच सकता है, इसको ना इधर खींच सकता, तो इस वक्त वो बच्चों सीधा सामने निकलेगा, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है सीधा अपोजिट पॉइंट में निकलेगा। तो अब आपने ये केस स्टडी किया कि इफ अगर ये वाला कंपोनेंट, मान लीजिए मैंने 63 लिया, अगर ये वाला कंपोनेंट हो गया, मान लीजिए कि अगर ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपका बराबर होता है तो वो आदमी सीधा अपोजिट पोजीशन में होगा। तो बच्चों अगर ये 63 नहीं होता तो आप इसका केस दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। ये तो आपको न्यूमेरिकल समझाने के लिए मैंने बताया कि मान लो कि ये स्विमर जो है किसी एंगल थीटा से पानी में कूदता है, जिसके दो टुकड़े हो गए वी एस आर साइन थीटा, ये रिवर की वेलोसिटी और ये आ जाएगी इसकी वी एस आर कॉस थीटा। अब अगर इसको बिल्कुल अपोजिट पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टू रीच एग्जैक्टली एट अपोजिट पॉइंट, ये केवल मैंने कल में पूछता है कि भाई उस आदमी को सीधा पहुंचना है अपोजिट एंड में, तो वो क्या करे, कितने एंगल से, यहां मुझे एंगल पूछेगा कितने एंगल से वो जंप करेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपने समझा कि टू रीच अपोजिट, इधर पहुंचने के लिए उसको पहले इधर जंप करना पड़ेगा। ये तो आपको समझ आ गया कि इधर क्यों करेगा, क्योंकि इधर करेगा तभी तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इसका कैंसल होगा। तो टू रीच एग्जैक्टली एट अपोजिट पॉइंट ओ क्या होना चाहिए, इसका ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि वी एस आर साइन थीटा जो है वो रिवर की वेलोसिटी के अपोजिट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो यहां से साइन थीटा आपका आ जाएगा वी आर अपॉन वी एस आर। तो ये बच्चों आपकी कंडीशन बन गई कि केंद्र, आप ये याद रख सकते हो कि पूछेगा कितने एंगल से वो चले, ये वेलोसिटी दे देगा, रिवर की वेलोसिटी दे देगा। तो आपको याद रखना कि अपोजिट एग्जैक्टली यहां पर तभी पहुंचेगा, आपने जाल करके देखना है कि ये एग्जैक्टली तभी पहुंचेगा अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर हो। तो ये जनरल फॉर्मूला, तो उस वक्त एंगल कितना होगा रिवर की वेलोसिटी अपॉन स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी। ये अब बच्चों आपको पूछता है कि इस केस में आप उसने देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस अगर उसको एग्जैक्टली यहां पर पहुंचना था तो उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया तभी वो यहां पहुंचेगा। तो आपने याद रखना है कि इन दिस केस द स्विमर कवर द मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर। तो इस कंडीशन में वो कम से कम डिस्टेंस कवर करेगा, किस कंडीशन में, जब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होगा। तो ये भी कई बार आता है कि मिनिमम डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, मिनिमम डिस्टेंस की मैंने पूछा था। इस केस में आपको मिनिमम, अगर उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है तब याद रखिए ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। अब बच्चों देखिए केमर आपको पूछेगा कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इस केस में, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अब पूछता कि टाइम टेकन कितना लगाएगा। तो बच्चों आप देखिए, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी, आप देखिए इसकी वर्टिकल ले लेते हैं, मान लो इसका डिस्टेंस में ले लेता हूं डी, तो आप देखिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना टाइम लगाएगा रिवर को क्रॉस करने में,
वर्टिकल वाला फार्मूला ले लीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया डी, ये वाला डिस्टेंस जो होगा सीधा, और वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी आई है वी एस आर का, ये हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस आएगा, रिवर को क्रॉस करना है तो इतना टाइम उसको लगेगा, मतलब कि वो इस एंगल से चला तो उसको मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो आपको देख लिया कि उसको इस एंगल में चलना है, ये एंगल आप निकाल सकते हो साइन थीटा से। अब वो बोलेगा कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जैसे ताला ने मैरिकल किया तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी ये है, तो आपने ये बता। अब अगर आपको यहां पर पूछता है कि कम से कम कितना टाइम लगाएगा, मतलब टाइम टेकन नहीं मिनिमम टाइम, ये आपको न्यूमेरिकल बताता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो मिनिमम टाइम के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम यही मिनिमम कब होगा, ये टाइम मिनिमम कब होगा अगर इसका टाइम इनवर्स से पूछे तो कहां से है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा तो कहां से ही हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि एंगल घड़ी घड़ी हम कुछ भी एंगल रख सकते हैं, तो टाइम मिनिमम कब होगा जब मिनिमम टाइम को क्रॉस करेगा वो आएगा बी, देखिए टाइम मिनिमम टाइम कब होगा ऐसे देखिए फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए ये जो डिनोमिनेटर है वी एस आर कॉस थीटा ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा। अब इस ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है इसको छोड़ दो, अब इसका मतलब ये कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये आपका टाइम मिनिमम होगा। तो बच्चों कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, तो वन का बात ही है। अब देखिए यहां पर इसका मतलब कि मिनिमम टाइम का फार्मूला बन जाएगा टाइम मिनिमम के लिए वो आएगा डी बटा वी एस आर, ये मतलब कि मिनिमम टाइम के लिए आपको सीधा लिखना कि जो उसकी स्टील वाटर में वेलोसिटी है सीधा आ गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्टील वाटर। और अगर आपको पूछ देगा कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो आपने याद रखना कि कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है, जब कॉस की वैल्यू जीरो होती है तो कॉस कॉस कट जाएगा तो थीटा कितना आएगा जीरो। अब इसका मतलब दो फार्मूले हो गए, ये हो गया मिनिमम फार्मूला मिनिमम टाइम का फार्मूला, और ये एक कंडीशन है कि ये जो स्विमर है ये स्विमर मिनिमम टाइम के लिए क्या करना होगा इसको कि ये एंगल जो है वो जीरो करना पड़ेगा। अब बच्चों यहां पर समझिए ये जीरो कब होगा एंगल, ये मतलब इसकी वेलोसिटी ये जो वी एस आर है ये इसकी वेलोसिटी सीधी इस तरफ होनी चाहिए तभी तो एंगल जीरो होगा। ये देखो समझो ये मेरा वर्टिकल था, ये स्विमर ने पहले इधर जाना मिनिमम डिस्टेंस के लिए, आप पूछ रहे टाइम मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा उसको थीटा जीरो रखना पड़ेगा। ये थीटा जीरो क्या होगा कि अगर ये वाला जो वी एस आर है इसके पैरेलल हो जाए, मतलब कि स्विमर ऐसे चलेगा सीधा पैरेलल परपेंडिकुलर चले, किसके परपेंडिकुलर, ये अगर रिवर की वेलोसिटी है तो रिवर की वेलोसिटी के साथ अगर वो एंगल 90 डिग्री बनाए, दो फार्मूला आप समझिए, बोले आप ऐसे समझो कि वी एस आर जो है ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा कि अगर वी एस आर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चले तब थीटा जीरो हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे चलेगा, मामला ऐसे चलेगा थीटा जीरो हो गया, तब रिवर के वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि मिनिमम टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर निकलना है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर वेलोसिटी, मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए ये वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू आएगी वी आर बटा वी एस आर कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पर हम केस ये आपने लिया केस वन कि जब मैंने ये वाला स्टडी की थी कि ये वाली वेलोसिटी इससे बड़ी है, ये 20 रख दी, ये वाला कंडीशन वही चल रहा है। अब बच्चों अगर मान लो कि आपको इस केस में बोलता है कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो 30 है, फिर क्या होगा केस सेकंड, फिर डायग्राम ना बच्चों फिर क्या होगा, देखिए ये वर्टिकल है
इस प्लास्टिक के दो कंपोनेंट हो गए, इधर प्लास्टिक कितनी है 20, इधर कितनी है 6, ये तो चलो रहेगी 6 वाले इधर ही, मतलब कि वी एस आर कॉस 63 आ गया 6 मीटर पर सेकंड। इस वक्त इस तरफ कितनी प्लास्टिक, ये यही केस है, केस यही है, इसी केस को मैं स्टडी कर रहा हूं कि वी एस आर अगर 10 होता और ये एंगल 63 होता, इधर प्लास्टिक जो आई थी मेरी बी एस आर साइन 63 वो कितना आंसर निकला था 20। तो रिवर की प्लास्टिक पहले मैंने दे दी थी 20 ही, मैंने पहले केस में 20 रख दी ताकि ये और ये कैंसिल हो गए और हमें वो आदमी सीधा निकल गया। अब जूरी नहीं कि हर बार वो सीधा निकले, अब हो सकता है कि रिवर की प्लास्टिक वहां पर आपको दी हो जाकर, मान लीजिए रिवर की प्लास्टिक आपको मैं बोलता हूं 30 दे दी, तो आप थोड़ी बहुत वहां निकलेगा, आप देखिए आप ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल थोड़ी करेंगे, आप बताओ आप इसकी फिगर कैसे बनेंगे। अब देखिए ये आएगा, ये प्लास्टिक ऊपर वाली रहेगी 6, इसको जे लिख लेते हैं, और अब ये ऊपर कितनी है 20, पानी जो कितना रिसीव है 30 से, ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो गए, जब दो वेक्टर अपोजिट होते तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 30 माइनस 20, तो अब नीचे की तरफ वो चलेगा 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 आई की स्पीड से वो यहां चलेगा। तो आप बच्चों को यहां नहीं पहुंचेगा, आप इन दोनों का रिजल्टेंट वही केस आ गया जो पहले वाला, वो यहां पर ही निकलेगा, इस तरफ पे निकलेगा, और उसकी जो रिजल्टेंट ब्लास्ट होगी वो आप निकाल सकते हो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, इस तरह का। अब इसका तीसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, यहां नहीं निकला वो ड्रिफ्ट होगी यहां पर। केस थर्ड क्या हो सकता है, केस थर्ड ये हो सकता है कि ये वाले प्लास्टिक ज्यादा हो, कि मान लो कि ये जो प्लास्टिक है, ये जो आ रही थी मेरी, ये मैं ये यही है कि बी एस आर जो है वो आपका साइन 63 कितना है 20 है, और रिवर की प्लास्टिक आपको 10 दे देता है, फिर क्या होगा, फिर ये वाली बड़ी हो जाएगी, इस साइड वाली प्लास्टिक आदमी की प्लास्टिक ज्यादा हो जाएगी रिवर से, तो आप इनका रिजल्टेंट प्लास्टिक जो आएगी वो इस तरफ आएगी। देखिए आप ये आदमी की प्लास्टिक इधर ज्यादा होगी, यही 20 माइनस 10 इधर, इधर 6, अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां आएगा, तो अब आदमी यहां नहीं निकलेगा। तो बच्चों आपको समझ आ चुका होगा कि यहां पर कब निकलता है, यहां दो तीन केस होते हैं, यहां तो सामने निकलेगा, यहां तो इधर निकलेगा, यहां तो इधर निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि लीवर की स्पीड और आपके कंपोनेंट की प्लास्टिक के ऊपर। तो ये तीनों के साथ याद रखिए कि अगर ये दोनों कैंसिल कर जाए तो फिर एक ही प्लास्टिक बचती है, फिर वो सीधा यहां पहुंचता है, अगर ये रिवर की प्लास्टिक इस कंपोनेंट से ज्यादा हो तो फिर आदमी यहां निकलेगा, अगर जो आदमी है स्विमर है अगर उसकी प्लास्टिक रिवर से ज्यादा हो तो फिर रिजल्टेंट इधर आएगा, भी यहां निकलेगा। तो ये है बच्चों आपका सारा खेल कि इसका रिवर स्विमर प्रॉब्लम का। तो अब बच्चों अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपने लॉजिक अपना लिया ना, चलो अब देखते हैं कि कितना लॉजिक आपका क्लियर है। पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है, वो बोल रहा है रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखिए ये ऐसे बोल रहा है, ये इसको मान लो ऐसे काट लेते हैं, वो बोला कि रिवर जो है ये ईस्ट हो गया, रिवर जो है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से, 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से रिवर इधर जा रहा है, और बोला इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए मैन ऑन द साउथ बैंक, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मतलब यहां पर है स्विमर खड़ा होगा ये साउथ बैंक में, वो कह रहा है कि उसकी जो स्विमर की इन व्हाट डायरेक्शन ए मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर सेकंड मीन स्ट्रीम वाटर स्विम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ, बोला कि ये जो स्विमर है इसकी उसने स्पीड दी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो बोल रहा है कितनी है 10 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड दी है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि
कि इन शॉर्टेस्ट टाइम इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चले हो भाई, यहां से आप वो किस डायरेक्शन में पार करें इस नदी को, ताकि वो टाइम आपका कम लगे, मिनिमम टाइम लगे, और वो शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करे। दो चीजें आपको पूछ रहा है कि ये आदमी कितने एंगल पर किस डायरेक्शन से चले, ताकि वो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम कवर करे और टाइम जो है वो कम लगे। तो बच्चों ये आ गया आपका केस कि इसको अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है बच्चों, तो शॉर्टेस्ट पाथ का केस आपको समझाया मैंने कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है कि जब ये सीधा यहां निकलेगा, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका जो है वो स्टार्टिंग है, ये अपोजिट पॉइंट है, यहां पर उसको निकलना। तो उसने क्वेश्चन पूछ दिया है कि कितने एंगल से वो किस, अब उसका मतलब था कि वो कैसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले या ऐसे चले, ताकि वो यहां निकले, शॉर्टेस्ट पाथ पर निकले। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि रिवर की वेलोसिटी से दी है 5, अब इसको इस तरफ कूदना पड़ेगा। अगर ये इस तरफ कूदेगा, मान लीजिए यहां पर वो एंगल बनाता है थीटा, इसकी वेलोसिटी है सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से दी है 10, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऐसे कूदेगा तभी तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ कंपोनेंट कितना बन जाएगा, इसका आएगा VSR साइन थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, VSR कॉस थीटा, यही बनेगा इसका दो कंपोनेंट। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है या इसको एग्जैक्ट यहां पहुंचना है, तो कब कौन सी कंडीशन होगी, जब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाए। इसका मतलब कि पहले केस में मुझे वी एस आर साइन थीटा जो है वो बराबर होना चाहिए वी आर के, तो यहां से साइन थीटा बटन निकल जाएगा वी आर अपॉन वी एस आर, वी आर कितना दिया उसने 5, वी एस आर दिया 10, ये बन जाएगा 1/2। तो साइन थीटा बच्चों 1/2 कितना होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है ये कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कि उसको ये एंगल 30 डिग्री पर कूदना पड़ेगा। अगर वो 30 डिग्री एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, फिर वो जाकर कहीं यहां पर पहुंच सकता है। अब अगर आपको बोले कि वो अपर स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनाएगा, डाउन स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनाएगा, बच्चों ये नहीं मेरा क्वेश्चन है। आप देखिए अप स्ट्रीम होगी ये, तो बच्चों अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना बनेगा, ये टोटल 90 होता है तो ये बनेगा 60। इसका मतलब है कि एंगल विद अपस्ट्रीम मतलब पानी के ऊपर वाले बहाव के साथ, ये पानी का उल्टी डायरेक्शन, पानी इधर चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये स्विमर पानी के अपस्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा 60। अगर आपको बोले एंगल विद डाउन स्ट्रीम पानी के नीचे वाले लेयर के साथ कितना एंगल आएगा, वो हो गया ये वाला, ये एंगल, ये एंगल कितना आएगा, ये 90 हो गया, 90 में 30 ऐड करो तो 120। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप ध्यान से देखने, ऐसे तो चलो कुछ भी निकालिए, आप वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो क्या पूछता है कि स्विमर का एंगल वर्टिकल के साथ कितना है 30, अप स्ट्रीम के साथ कितना है, डाउन स्ट्रीम के साथ कितना है, फिर ये प्रॉब्लम। ये तो बच्चों आपको समझ आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम मतलब उसने पूछा कि कम से कम कितना टाइम लगाएगा, फिर वही केस आ जाएगा बच्चों कि टाइम आपका जो मिनिमम होगा, मैंने पहले बताया था टाइम स्केल होता है डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आगा वी एस आर कॉस थीटा। अब वो बोलता है कि मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम हमें निकालना है, ये टाइम मिनिमम नहीं है, मिनिमम टाइम के लिए क्या लेना है मुझे। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि ये थीटा इधर पुट करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये टाइम है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अभी वो पूछता है कि मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, इसका मतलब कि मिनिमम टाइम का फॉर्मूला आएगा डी अपॉन वी एस आर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डी कितना है, डिस्टेंस कितना दिया है इसने, उसने डिस्टेंस का नहीं पूछा था, उसने सिर्फ पूछा है कि उसने अगर पूछता मतलब अगर वो डिस्टेंस देता अगर न्यूमेरिकल में, तो आपको ये वाला डिस्टेंस और वो बी एस आर की वैल्यू पुट करने थे, लेकिन उसने ये पूछा, उसने पूछा सिर्फ एंगल पूछे थे,
तो आपने याद रखना कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए उसने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री विद वर्टिकल, 60 डिग्री अपस्ट्रीम के साथ, 120 डिग्री डाउनस्ट्रीम के साथ। तो अगर अगर पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम के लिए वो कितना एंगल बनाएगा, तो वही केस आ जाएगा कि मिनिमम टाइम यहां से निकालना पड़ेगा कि ये जो टी है, टी मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1, और वो कितना आएगा कॉस 0 के बराबर, ये कट जाएगा तो थीटा जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब कि ये थीटा 0 होना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए। तो वो तभी होगा कि अगर ये वाली वेलोसिटी सीधा इसके ऊपर आ जाए ऐसे वर्टिकल के साथ, अगर वो ऐसे चले, इस केस में रिवर के साथ उसका कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो मिनिमम टाइम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर के साथ 90 डिग्री पर चलना पड़ेगा, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए उसके पास ये एंगल है। ये है बच्चों आपका प्रॉब्लम जो आपने की अभी। और बच्चों कुछ और प्रॉब्लम हम थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए तो करवा देते हैं। देखिए मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन है वो बोल रहे स्विमर कैन स्विम इन स्टील वाटर विद स्पीड ऑफ वी एंड रिवर फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी बाय टू। ये देखिए दो क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, बोल रहा है कि ये जो रिवर है, रिवर जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी वी बाय टू है, और यहां पर ऐसे मान लेता हूं कि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो वी, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि उसने इधर सीधा जाना है या ऐसे जाना है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। तो ये अभी गिवन कंडीशन दिया कि रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी बाय टू एंड द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टील वाटर इज वी। टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम अगर उसको टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम ही शुड स्विम एट एन एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम। मान लीजिए वर्टिकल ये हो गया बच्चों अपस्ट्रीम, मैंने आपको बताया था कि मेरा क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या था। वो कह रहा है कि मिनिमम टाइम के लिए वो क्या करता है कि एंगल थीटा बनाता है विद अपस्ट्रीम। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि ये स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इसने अगर मिनिमम टाइम से पार करना है इसको, तो वो अपस्ट्रीम के साथ एंगल बनाता है थीटा। मतलब कि टू टाइम डिफरेंस, अगर टाइम टू मिनिमम टाइम में अगर इसको क्रॉस करना है वही केस, तो अपस्ट्रीम के साथ उसने एंगल बनाया थीटा। क्वेश्चन पूछ रहा था रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू स्विम अक्रॉस शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब कि आपको फाइंड क्या करना है कि रेशियो ऑफ, ये फाइंड करना है, टू फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब पहले आपको टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्ट मिनिमम टाइम, फिर निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, और उन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि ये वही केस आ गया कि इसने एंगल बनाया, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएगा बी, इस तरफ कितना आ जाएगा इसका कंपोनेंट, वो बन जाएगा ये इसकी वेलोसिटी वी है, इस तरफ आ जाएगा आपका वी कॉस थीटा इस तरफ, और वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा वी साइन थीटा, ये इसके स्विमर के दो कंपोनेंट हो गए। तो नीचे वाली जो वेलोसिटी है वो दी है रिवर की वी बाय टू। हाँ बच्चों कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको मैंने क्या बताया, मिनिमम डिस्टेंस टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस है डी। तो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस अगर उसको करना है तो मिनिमम डिस्टेंस की क्या कंडीशन है कि ये वाले वेलोसिटी और ये वाले वेलोसिटी आपके बराबर होने चाहिए, मतलब वी कॉस थीटा जो बराबर होना चाहिए वी बाय टू, ये वाले प्लास्टिक ये प्लास्टिक बराबर होगी तभी तो मिनिमम डिस्टेंस का केस आएगा। तो यहां पर कॉस थीटा किसका हो जाएगा बच्चों, ये बी भी कट जाएगा तो 1/2। तो
कॉस थीटा 1 बाय 2 हुआ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय 4, कितना आएगा आंसर, 4 माइनस रूट 3 बाई 4 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, ये हो गया साइन थीटा। अब ये एंगल अगर आपको पूछा जाए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, यहां पर कॉस थीटा 1 बाई 2 है या साइन थीटा रूट 3 बाई 2 है, तो ये किसके होता है, कॉस थीटा 1 बाई 2 जो होता है वो थीटा होता है 60 डिग्री, साइन थीटा रूट 3 बाई 2 वो भी होता है 60 डिग्री, इसका मतलब कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री, मतलब उसने 60 डिग्री अपस्ट्रीम के साथ जब एंगल करेगा तब वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चों अब वो पूछता है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में टाइम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, तो ये बच्चों आप याद रखना मिनिमम डिस्टेंस का केस आपने ले लिया है ये बराबर इसके, तो मिनिमम डिस्टेंस में वो कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम आ जाएगा, टाइम के लिए आप कंडीशन ले लो वर्टिकल कंडीशन, वो आएगा डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी वी सेंटीमीटर, ये निकला आपका टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। दूसरा पूछता है इसका नाम रख लेते हैं T1, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, अब मिनिमम टाइम करना है इसको बच्चों, तो उसका उसका भी फॉर्मूला यही होता है कि वर्टिकल में डिस्टेंस अपॉन वी साइन थीटा, लेकिन टाइम मिनिमम ये वाला टाइम मिनिमम कब होगा, ये टाइम मिनिमम कब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम करनी पड़ेगी, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 कब आता है जब ये साइन 90 डिग्री होता है, मतलब ये थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसका मतलब कि मिनिमम टाइम जो आएगा वो आएगा डी अपॉन वी के बराबर से, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए इस केस में, पिछले केस में हमने कॉस थीटा लिया, मैंने बोला था अलग अलग होता है, एक बार रटा में चढ़ा लेना कि हमेशा कॉस थीटा ही आ जाएगा, ऐसा नहीं। अब बच्चों थीटा 90 का आप खुद मतलब समझिए, ये थीटा इसके साथ है तो ये थीटा 90 का होगा, वही केस आ गया ना, ये इसको उधर चलना पड़ेगा, कहां पर परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा मिनिमम टाइम के लिए, और जब वो ऐसे चलेगा तो पानी की डाउन स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, फॉर्म आंसर सेम आएगा, तो ये आएगा आपका T2 D/2 और ये आएगा, आप दोनों की रेशियो देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि T1 / T2 कितना होगा, वो आएगा D upon V sin थीटा, और T2 कितना निकला D upon V, ये V भी कट जाएगा ये कट जाएगा, तो आ जाएगा T1 / T2 इज इक्वल टू 1/sin, अगर आपको T2 / T1 निकालना है तो वो आ गया साइन थीटा, तो याद रखेगी डिस्टेंस अपॉन उसने क्या पूछा था रेशियो ऑफ टाइम टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम सेकंड था तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा, अगर वो डिस्टेंस अपॉन शॉर्टेस्ट टाइम पूछता तो 1/sin θ, 1/sin θ मतलब कि cosec थीटा। ये बच्चों आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को पूछ रहा है कि पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट इन द बैंक, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रिवर है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर है स्विमर विलासिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो बंदा क्या बोल रहा है कि इस आदमी को ए पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर इज स्विमिंग विद स्पीड ऑफ एट एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये देखिए बच्चों ये आ गया डाउनस्ट्रीम, देखिए क्वेश्चन समझिए, ये डाउनस्ट्रीम है, ये जो स्विमर है
ये स्विमर चाहता है कि मैं यहां निकलूं, बिल्कुल सामने पहुंचना चाहता है, लेकिन वो चल कैसे रहा है, ये कंडीशन दी है। वो कह रहा है कि वो स्विमिंग कर रहा है डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल बना रहा है, कितना 120 डिग्री। मतलब कि ये आदमी पानी के डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल 120 बना रहा है और पहुंचना यहां पर चाहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। और स्पीड उसकी जो है वो यहां पर कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकंड, उसकी स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में इतनी है। पहुंचना यहां चाहता है, कंडीशन दे दी उसने कि डाउन स्ट्रीम के साथ वो 120 एंगल बनाना चाहता है। पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द वाटर, वो पूछ रहा है कि ये जो पानी की स्पीड होगी ये कितनी होगी इस वक्त। बच्चों आप गैस कीजिए, सिंपल है, जैसे मैंने आपको समझाया। सबसे पहले आपको याद रखना बच्चों कि अगर इसको सामने पहुंचना है, अगर इसको सामने पहुंचना है तो क्या आपको सिखाया मैंने, अगर इसको सामने पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, सामने पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तभी तो वो सामने पहुंचेगा। अब बच्चों मान लो 120 डिग्री कैसे बना, यहां तक आ गया 90, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है अगर, तो इसके रिजॉल्व कीजिए दो कंपोनेंट, इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, आएगा बी एस आर कॉस 30 और इस तरफ कितना आएगा वी एस आर साइन 30। अब सामने पहुंचने के लिए उसको वी एस आर साइन 30 जो है बच्चों को बराबर होना चाहिए ये रिवर की इस राशि के, तभी तो ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये पहुंचेगा इधर। तो वी एस आर कितना दिया 0.5 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 = VR, तो वी आर आपका निकल जाएगा बच्चों 0.5 कितना होता है 1/2 1/4 या 0.25 मीटर पर सेकंड उसको चलना पड़ेगा, रिवर की स्पीड 0.25 होगी मीटर पर सेकंड, सिंपल। अब बच्चों एक और चीज देख लेते हैं, ये सिंपल केवल आपको देखो, ये तभी हो सकते हैं आप ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे कि अगर आपको वो लॉजिक जो स्टार्टिंग बताया कि वो आपको पता हो, तभी आप इस खेल सकते हो क्वेश्चन से, अदरवाइज आप क्वेश्चन रटते फिरोगे, फिर ये परेशान करेगा, कभी इधर एंगल देगा कभी इधर एंगल देगा। आपने इसे ये साइन से रट दिया, आप लोगों के साथ ने ये समझाया था एंगल उसने इधर दे दिया, एंगल उसने इधर दे दिया, तो आपको कंसेप्ट समझ लेना है, एक बार कंसेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे सारे, ना चिंता कीजिए। आगे देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए वो क्वेश्चन बोल रहा है, वही केस कि मान लीजिए कि ग्लास्टिया स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर बोट भी आए तो आप एक ही समझिए स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर मतलब बोट होगी, तो वो दे रहा है कि स्विमर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। इट क्रॉसिस द रिवर ऑफ विथ, वो रिवर की विथ भी दे रहा है, इधर रिवर की विथ जो है वो 1 किलोमीटर है, तो कह रहा है कि वो रिवर को क्रॉस करता है, इट क्रॉसिस द रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर लॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब बच्चों ये देखिए कंडीशन को आप वो न्यूमेरिकल में कंडीशन पक्का पढ़नी है, वो बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में वो रिवर को क्रॉस करता है और टाइम कितना लगाता है, टाइम लगाता है यहां पर वो 15 मिनट, ये उसने बोल दिया है। तो बोल रहा है कि बताओ कि रिवर की स्पीड कितनी होगी। बच्चों उसने बोला है कि इट क्रॉसिस द, ये पर्सन है एक, उसकी स्टिल वाटर रिवर की स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर है, और ये आदमी शॉर्टेस्ट पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करता है वो 15 मिनट में कवर करता है, तो बताइए कि रिवर की स्पीड कितनी होगी। तो बच्चों वही केस आ जाएगा कि जब इसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करने का मतलब हो गया कि इसको सामने निकलना है, सामने निकलने का मतलब हो कि इसको इधर चलना है, तो ये एंगल कोई होगा थीटा, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे वी एस आर कॉस थीटा इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा वी एस आर साइन थीटा। अब वो बोल रहा है कि उसने मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन आ गई, अब मिनिमम डिस्टेंस में टाइम टेकन लगाता है 15 मिनट,
तो इस मिनट को पहले चेंज कर लीजिए, 15 इंटू मिनट हो गया 1/60, तो 15 × 60 1/4 आवर्स, पहले आवर्स में चेंज कर लो क्योंकि सेम यूनिट है। अब मुझे बताओ पहले यहां पर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में कितना टाइम आएगा, तो आपको ये डिस्टेंस कवर करना है, तो इसी तरह वेलोसिटी देनी, तो वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस कितना आएगा यहां पर डी अपॉन वेलोसिटी आएगी वी एस आर क्रॉस, यही आएगा ना टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, भी यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो इसी तरह वेलोसिटी आएगी। अब जो डिस्टेंस उसने कितना दिया है और टाइम भी दिया है, मुझे सिर्फ निकालना वी एस आर, वी एस आर नहीं निकालना, मुझे वी आर निकालना है। तो वी आर निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, पहले लॉजिक बनाते हैं कि इसका मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, मतलब कि वी आर बराबर होना चाहिए था वी एस आर साइन थीटा, मुझे ये निकालना है। अब वी एस आर दिया उसने, वीएसआर दिया 5, तो मुझे सिर्फ अब साइन थीटा नहीं है क्वेश्चन में, मुझे मतलब ये थीटा पता चल जाए मैं आंसर निकाल सकता हूं। अब इसके लिए उसने टाइम दिया है, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो इसके साथ अब टाइम दिया है तो मैं यहां से कॉस थीटा निकालूंगा, पहले कॉस थीटा आएगा डी अपॉन वीएसआर इनटू टी, डिस्टेंस कितना है 1, वीएसआर कितना है वेलोसिटी 5, टाइम कितना है 1/4, 1/4 करोगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4/5 हो जाएगी आपकी क्लास। कॉस थीटा निकला 4/5 बच्चों, तो साइन थीटा किसके ऊपर आएगा, साइन थीटा आएगा रूट 1 माइनस कॉस थीटा, रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कीजिए 16/25, 25 − 16 कितना बना रूट 9/25, 3/5 साइन थीटा निकलेगा, इसकी वैल्यू पुट कीजिए 5 × 3/5 = 3 किलोमीटर/hr। तो ये है बच्चों इसका खेल, तो होप्स आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर देना कि सर कोई मजा नहीं आया, थोड़ा सा दोबारा जितना जब तक जान है लगाएंगे, जितना आता है उतना करेंगे, तो लेकिन आप अपनी कोशिश जाहिर कीजिए, अपनी कोशिश कंटिन्यूस करते रहिए, क्योंकि आप याद रखना कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं और वादे हमेशा टूटते हैं। मैं वादा नहीं कभी करता कि आप कुछ कर IIT करोगे कुछ करोगे, लेकिन कोशिश आप करते रहिए, ये मेरी गारंटी है आप कुछ बनोगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।